हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हो? मैं स्वागत कर रही हूँ आपका एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल अमिसमा ब्लॉग में। और फ्रेंड जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। तो ये देखिए अंशु बैठा है, कह रहा है ये अंशु बैठा है। तो फ्रेंड आज है नाग पंचमी, तो आपको नाग पंचमी की शुभकामनाएँ। और ये आई हमारी मौसी जी, ये मौसी जी आई है हमारी। अभी मैंने इनके पानी छिए तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और पूरिया मम्मी देख रही है, मैंने सारी बेल के रख दी है। तो देखिए फ्रेंड मैंने बनाया है नाग देवता। ये देखिए नाग देवता नहीं, मैंने चिड़िया बन गई है, ये चिड़िया। तो ये नाग देवता बनाया, इनकी करूंगी पूजा। ये देखिए इधर भी बनाए, दोनों तरफ बनाए। तो कर लेते हैं फ्रेंड पूजा, थाली लगी हुई रखी है पूजा की। और फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड खाना बन चुका है, खाने बनाए कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, पूड़ी और बस यही बनाए। और बना रही हूँ पकौड़ी गर्मा गर्म, क्योंकि सब लोग खाना खा रहे हैं। तो पूड़ियाँ मैंने सेक के रख दी और पकौड़ी गर्म गर्म सेक। ये रखा है घोल पकौड़ी का प्याज वाला और ये बिना प्याज वाला। तो पापा जी खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, तो चले आते हैं मौसी। तो फ्रेंड शाम हो चुकी है और चाय वाय पी रहे थे, बैठे हुए थे, और भारती आई हुई है। ये आई है भारती, इंस्टाग्राम वीडियो अपनी चेक कर रही है। इनने बनाई है इंस्टाग्राम बनाती हूँ फ्रेंड, और मेरी आईडी पे मुझे सब्सक्राइब मतलब फॉलो कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम देखिए बस, और मुझे फॉलो कीजिए और लाइक और कमेंट। तो आज जाने वाले थे हम मंदिर, तो जा नहीं पाए क्योंकि मेरे पेट में दर्द होने लगा बहुत तेज। तो इस वजह से तो भारतीय इसलिए तैयार होके आई है। तैयार तो मैं क्या इंस्टाग्राम बनाती हूँ ना, तो पहले मैं बिना तैयार होके बनाती थी, तो सभी लोगों ने बोला थोड़ा मेकअप मेकअप करके बनाया करूँ। तो मैं इतना मेकअप मेकअप करती थी, मुझे इतना पसंद नहीं है, पर ये सब लोग बोलने लगे तो थोड़ा बहुत कर ली। और फिर मुझे थोड़ा एटीएम भी आना था, तो फिर मैंने कहा कहीं जाती हूँ थोड़ा तैयार तो होना पड़ता है ना, इसीलिए मैं तैयार हूँ। नहीं तो साड़ी वाड़ी तो स्पेशली इसलिए पहनी है। अब साड़ी इसलिए पहनी है कि मेरे पास सारे खत्म हो गए, मैंने अपने सारे काम वाली बाइक को उठा के दे दी। अब मैं अपनी नई सूट खरीदूंगी तब फिर पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी, तब आप बताइएगा तो मैं कैसे लगे। ऐसा ही देखिए फ्रेंड, तो छत पे आ गए हैं हम लोग और मौसम हो रहा है बड़ा सुहाना। और भारती ऊपर आई थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ। अंधेरा हो गया, खुद ब्लॉग बनाने आ गई। तो मैंने इनसे बोला था, जी कह रही थी ऊपर चलो, तो मैंने कहा अंधेरा हो गया। हम गांव के लिए से हम पद्दा में रहते हैं। ये देखिए भाभी ने ब्लॉक के चक्कर में घूंघट कर लिया। और ये खड़ी बैठी हमारी ज्योति, ज्योता इसने बोला था मेला चलना आज मंदिर, कहीं थी तुम सो रही थी तो आराम से चाचा के आराम से बैठ गए। सही बता अंकल का कह रहे थे अंकल कर लेंगे राज कर लेंगे, राज कर रही है भाई। अरे मेरे पेट में दर्द होने लगा, तो ही नहीं गई सॉरी। लगा मस्त कैसा? मैं नहीं जा रही अब, रात हो गई। हाँ सही बात है, तुम्हें बुलाया तो इसी काम के लिए, तो तुम्हें आलस आ गया भाई।
तो फ्रेंड देखिए पूनम का आ रहा है फोन, तो बात कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर मिलते हैं। तो पता नहीं फ्रेंड उसने मेरे से बात नहीं की, अभी फोन काट दिया। तो मैंने सोचा चलो गर्मियों में इतनी खुलसी हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं, तो उसने बात नहीं की। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं जब तक। तो खाने में मैंने आज बनाया है दाल चावल और करेले की भुजिया। तो फ्रेंड करेले की भुजिया, करेले छोटे छोटे पीस में काट लो गोल गोल पतले पतले, और उसके बाद उसको मतलब नमक के पानी में थोड़ी देर रख के उसको निकाल के उसको अच्छे से निचोड़ के और तेल में फ्राई कर लो। तेल में फ्राई करने के बाद उसे निकाल लो फिर तेल में से करेले को, और फिर प्याज काटो ज़्यादा से, अच्छे से प्याज काट लो, थोड़ी सी प्याज नहीं ज़्यादा सी प्याज काटो, फिर उसको फ्राई करो प्याज को, फिर उसमें मसाले डाल दो। ज़्यादा मसाले नहीं डालना क्योंकि चावल के साथ वो बहुत अच्छे लगते हैं करेले, तो हल्का हल्का ही मसाला डालना है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और अमचूर, खट्टा खाना है तो अमचूर, बस यही सब तीन चार चीज़ें डालना है उसमें और नमक। उसके बाद उसको अच्छे से फ्राई करके वो अपने आप तेल छोड़ देते हैं करेले, और दाल चावल के साथ खाते बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं किसी दिन आपको मैं बनाऊंगी तो आपको रेसिपी बताऊंगी। आज मैंने बनाए तो मैंने रेसिपी आप लोगों को नहीं बता पाई, नहीं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड बच्चे आ गए हैं, मैं यहीं बैठी हूँ अभी, और ये गए थे स्कूल। क्यों क्या पढ़ाई कर आप खुशी, क्या पढ़ाता है स्कूल में? ABCD। और तुम्हें फल के नाम? अच्छा वाओ। और देखिए इनकी मम्मी जाती है डेली लेने के लिए, छोड़ने छोड़ने के लिए। ये लोग आ गए हैं और मम्मी ने कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, ऐसे डाल देती हैं गेट पे। और ये देखिए मैं अंदर आ चुकी हूँ। अंशु खाना खाओगी? क्या खाओगी? क्या खाओगी? अट्टा मिर्ची। अट्टा मिर्ची? चावल नहीं खाओगे? चावल खाओगे? तो चलो खाना परस लाते हैं लोगों के लिए, इनके लिए भी और अपने लिए अंशु के लिए, है ना अंशु? देखिए इसमें मैंने चावल बना लिए हैं, और ये बनाई है दाल, और इसमें है करेले की भुजिया। देखिए बहुत अच्छे लगते हैं चावल के साथ खाओ। तो खाना लगा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड खाना मैंने लगा लिया है, ये है पतिदेव के लिए क्योंकि वो चावल बनते हैं तो रोटियां नहीं खाते हैं, और ये है मेरी थाली, मेरी और अंशु की। तो चलते हैं पतिदेव को दिलाते हैं पहले। ये लो खाना, ये लो। बैठा है अंशु, अंशु के लिए। तो फ्रेंड खाना ना खा के मैं थोड़ा लेट गई थी, और देखने आई थी नल कि नल आ गई क्या, मैं नल नहीं आया, ऐसे ही कुछ शोर हो रहा था, मैंने सोचा मोटर वगैरह चल रही है। तो फ्रेंड कर लेते हैं किचन साफ, किचन ऐसे ही पड़ी है, खाना खा के थोड़ी 10-15 मिनट ही लेटी हूँ।
फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है, मतलब 7 बज चुके हैं। मम्मी जी आ गई हैं, तो आज मैंने मम्मी से पूछा मम्मी चाय बना दूँ, आज लेट हो गई थी, 7 बज गए थे, 6:30 बजे तक 7:45 तक आ जाती हैं। बोला नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी, मेरा मन नहीं है चाय पीने का, तुम थोड़ी सी पकौड़ी बना दो मेरे लिए, पकौड़ी बना दो थोड़ी सी। तो बस मैं वही पकौड़ियाँ बना रही हूँ, ये मैंने घोल बना लिया है और ये पकौड़ियाँ बना ली हैं थोड़ी सी, और बना देते हैं और मम्मी के लिए, तो मम्मी को दे आते हैं। तो फ्रेंड, अपने ब्लॉग का मैं करती हूँ यही एंड। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट करके बताना फ्रेंड कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है। तो बाय बाय फ्रेंड। ये देखिए, देखो पड़ रहा है, देखो कर रहा है पढ़ाई। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।